हेलो स्टूडेंट, टुडे अपने को लास्ट सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू सेंटेंस। देखो इस सेंटेंस का रूल्स थोड़ा जहाँ लंबा होएगा, बट डोंट वरी, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। सो लास्ट बारी फिर तुम्हें मेंशन कर दिए, आई एंड वी दे नाल तुसी शैल दा यूज़ कर सकते हो, जेकर नहीं तो आल सब्जेक्ट दे नाल तुसी विल दा यूज़ कर सकते हो। सो आप देख लेंगे पछाण एंड रूल्स। कम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, टेंस की पहचान होएगी रहा होवेगा, रहा होवेगा, रही होवेगी, जिमें कि पढ़ रहा होवेगा, गा रहा होवेगा, खेड रहे होंगे। रूल्स अफर्मेटिव रूल्स होएगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वी वन प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल्स होएगा, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वी वन विद आई एन जी प्लस सिंस जा फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव रूल है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी वन प्लस सिंस जा फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तुसी रूल्स का शॉर्ट ले सकते हो। एंड इस तो बाद आपा एग्जाम्पल्स देखांगे। सो कंफ्यूज नहीं होना रूल्स नू देख के, जदों आपा एग्जाम्पल लवांगे तुहानू सेंटेंस बिल्कुल ईजी लगेगा। एंड इस सेंटेंस दे विच भी बाकी सेंटेंस की तरह टाइम की ड्यूरेशन दिती होएगी, तो आपने समझ आना है कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस है। ओके जी। एंड इस सेंटेंस के ऑल सब्जेक्ट के नाल आप हैव का यूज़ करना है, यानी कि हैव बीन का यूज़ करना है। ओके, हुण आप एग्जाम्पल देख लेंगे। कम, हाँ जी, नाउ अपने को थ्री एग्जाम्पल्स ने, अफर्मेटिव, नैगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो आप ट्रांसलेट करके देख लेंगे। कम, देखो फर्स्ट है अपने को, वो एक घंटे तो टीवी देख रहा होगा। सो करो ट्रांसलेट, लिखो ही विल, किदा यूज होया अगे हैव बीन, टीवी देखना की होएगा वॉच एंड विद आई एन जी वॉचिंग द टीवी। सो इस शॉर्ट लिख सकते हो द टीवी। एंड कच्चा टाइम है या पक्का, एक कच्चा टाइम है दो घंटे तो। सो आप फोर का यूज़ करेंगे, फोर टू आवर्स। ओके, ही विल हैव बीन वॉचिंग द टीवी फोर टू आवर्स। सो नेक्स्ट है अपने को है, मैं सवेर तो नहीं गा रहा होवांगा। मैं दी इंग्लिश की होएगी आई, आई दे नाल आपां शैल या विल दा यूज़ कर सकते हाँ। आई विल, एंड तीसरे नंबर ते नॉट, आई विल नॉट हैव बीन सिंगिंग। सवेर तो कच्चा टाइम है या पक्का टाइम है, पक्का टाइम है, आपां किहदा यूज़ करांगे सिंस मॉर्निंग। ओके जी, I will not have been singing since morning. मैं सवेर तो नहीं गा रहा होवांगा। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है अपने कोल, कि असी दो घंटे तो अखबार पढ़ रहे होवांगे। सो करो ट्रांसलेट, यूज करो शैल जा विल दा, क्योंकि सब्जेक्ट अपने कोल वही है। शैल वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर दो घंटे तो कच्चा टाइम है। फोर टू आवर्स। पहले सेंटेंस विच देखो एक घंटे तो है, अपने इतने फोर टू आवर्स का यूज़ किया है। एंड आप इतने वन आवर कर सकते हैं, फोर वन आवर। ओके, सो तुसी शॉर्ट ले सकते हो एग्जाम्पल्स का। एक दो एग्जाम्पल आप होर देखते हैं। देखो जेकर टीचिंग करते टाइम साढ़े कोई मिसटेक हो जाए तो सानू कमेंट बॉक्स में दस्या जरूर करो, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता
गलती कोई भी कर सकता है। सो आप देखते हैं नैक्सट एग्जाम्पल कम। हाँ जी नाउ अपने थ्री सेंटेंस होर ने एंड लास्ट सेंटेंस ने अपना ट्रांसलेट करके देखते हैं कम। देखो फस्ट है अपने को मैं 5 बजे तो सोच रहा होवगा। सो करो ट्रांसलेट, सो करो ट्रांसलेट मैं दी इंग्लिश की होगी आई। आई दे नाल तुसीं शैल जा विल दा यूज कर सकते हो दोनों का। आई शैल हैव बीन थिंकिंग 5 बजे तो एक कच्चा टाइम है या पक्का टाइम है। ये एक पक्का टाइम है अपन दसा गया 5 बजे तो। सो आप कि यूज करेंगे सिंस का। सिंस 5 o'clock ओके। आई शैल हैव बीन थिंकिंग सिंस 5 o'clock मैं 5 बजे तो सोच रहा होवगा। नैक्सट है कि तुसी एक साल तो घर आ रहे होवोगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो फिर विल यू हैव बीन कमिंग एट होम। एक साल तो कच्चा टाइम है या पक्का टाइम है। एक कच्चा टाइम है आप कि यूज करेंगे 4 1 year ओके। विल यू हैव बीन कमिंग एट होम 4 1 year ओके। नेक्स्ट है अपने को सवेर तो स्कूल नहीं जा रहा होगा। करो ट्रांसलेट ही विल नॉट He will not have been going to school सवेर तो पक्का टाइम है since morning okay जी। He will not have been going to school since morning सवेर तो स्कूल नहीं जा रहा होगा। तुम छोट रह सकते हो एग्जाम्पल्स का। सो अपने 12 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके ने। एंड जेकर कोई डाउट तुम्हें होया तो आप विचों प्रैक्टिस की वीडियो देख के क्लीयर करवा देंगे। एंड इस तो बाद आप कोई नवे टॉपिक पर काम करा। टिल दैन बाय टेक केयर।